आज का जो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस है, जो हम जिस तरह से जो जो सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे इमोशंस को प्रोसेस करते हैं और उसके साथ मजे भी करते हैं, नॉट इन अ हार्ड वे बट इन अ लाइट वे, एंड काफी सारे अमेजिंग फन एक्टिविटीज के साथ, तो ये सेशन हमारा कुछ इस तरह से होता है. वी हैव आर शिवानी जी एंड सॉरी सिद्धार्थ जी विथ अस, जो कि हमारे लिए ये सेशन कंडक्ट करते हैं. आज का सेशन काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है, मुझे थोड़े से ग्लिम्सेस मिल चुके हैं और मैं उसी की वजह से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी हूँ आज के सेशन के लिए. तो बिना कुछ और देरी किए हम चलते हैं शिवानी जी के पास. सो हेलो शिवानी जी, हाउ यू फीलिंग टुडे, हाउ यू Hi, डूइंग Yogini. टुडे? All good. All good. I'm also excited about the session that we're going to be doing today. So hello everyone. A very warm welcome to this space. I see some familiar faces. I see Muraji. I see Maggie ji. I see some new faces as well. So आज के सेशन में आई सी तृप्ता जी वेयर मैगी जी सिंह हाय नीलम जी नमस्ते प्रकाश जी बिंदु जी वेरी वार्म वेलकम गुड इवनिंग उषा जी इज ऑल्सो सेइंग हाय वंडरफुल टू सी ऑल द फेमिलियर फेसेस अगेन ऑल राइट तो आज के सेशन में जैसे योगिनी ने बताया कि हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग सा करने वाले हैं वी आर गोइंग टू हैव फन एज ऑलवेज वो सेम रहने वाला है सिर्फ एक चीज मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती मैं बस एक चीज बोलना चाहती हूँ बिफोर वी जम्प इनटू इट इज कि हम इस स्पेस में जो भी करेंगे आई थिंक एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एक्टिविटी आई थिंक दैट फर्स्ट एक्टिविटी में हमारे सही और गलत आंसर्स हैं लेकिन उसके अलावा हम इस स्पेस में जो भी करते हैं वेदर वी ड्रॉ वी मूव या हम कुछ फील करते हैं या शेयर करते हैं देर इज नो राइट एंड रॉन्ग इन दिस स्पेस कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है कोई चीज करने का कोई चीज एक्सपीरियंस करने का या एक्सप्रेस करने का तो दिस स्पेस इज मोर अबाउट कि सेम चीज को आप कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो मैं अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर सकती हूँ सिद्धार्थ योगी सब अलग तरीके से एक ही चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वी हैव थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ वी आर गोना बी यूजिंग सम म्यूजिक इन आवर सेकेंड एक्टिविटी टुडे तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ उस म्यूजिक पे हम जो भी एक्टिविटी करेंगे प्लीज डोंट वरी अबाउट कि अरे मुझे कैसे क्या कैसे करना है क्या करना है वट एवर यू डू इज योर पर्सनल एक्सप्रेशन एंड ऑल्दो आई थिंक सिद्धार्थ विल बी शेयरिंग दैट बट लेट मी नॉट यू नो आई थिंक डिस्क्लोज मोर फर्स्ट लेकिन मेरा डिस्क्लेमर फर्स्ट एक्टिविटी में काम नहीं करता है फर्स्ट एक्टिविटी में सही और गलत आंसर एक्चुअली है सो सिद्धार्थ विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम ऑफ योर्स आई जस्ट हैंड ओवर टू यू सो सिद्धार्थ योर इज एन एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी प्रैक्टिशनर and a therapist and he's been holding these sessions for the last 2 months and this is I think the third month now so I'll hand it over to Siddharth to take it up now Siddharth over to you थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सबको ठीक है बोला था नेक्स्ट न्यू ईयर के बाद भी मिलेंगे एंड न्यू ईयर के बाद भी हम इधर ही हैं ठीक है आई कैन सी अ लॉट ऑफ न्यू फेसेस टुडे सो सबको हेलो ठीक है ग्रेट आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है आज आज का सेशन हमारा थोड़ा सा फन है थोड़ा सा डिफरेंट है ठीक है मुझे पता था न्यू ईयर के बाद डिफरेंट लोग आने वाले हैं तो सेशन भी थोड़ा डिफरेंट ही करेंगे ठीक है कुछ रूल्स हैं हमारे सेशन के बीच में ठीक है एंड वैसे शिवानी मैम ने आप सबको बता ही दिया है कि एग्जैक्टली मैं हूँ कौन क्या हूँ ठीक है फिर भी मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज ना मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ ना मैं कोई एक्सप्रेसिव आर्ट्स थेरेपिस्ट हूँ बस आप सब लोग के साथ हूँ एज अ पार्टिसिपेंट क्योंकि आज मैं भी उतना ही पार्टिसिपेट करूंगा जितना आप लोग पार्टिसिपेट करोगे चलेगा ठीक है अच्छा जब कभी भी कोई बात समझ में आए क्योंकि सबका माइक ऑफ है ठीक है कभी भी कोई बात समझ में आए तो डबल थम्स अप या सिंगल थम्स अप चलेगा डन बढ़िया अब मैं डबल दिखा नहीं सकता पीछे पटाखे फूटते हैं आई डोंट नो व्हाई ठीक है सो दो रूल्स हैं ठीक है आपको कुछ भी शेयर करना है ठीक है कोई सी भी चीज आपको बतानी है या कुछ भी आप अपना हैंड रेज कर सकते हो ठीक है एक बारी मैं आपको हैंड रेज करके भी दिखा देता हूँ इस तरीके से आप अपना हैंड रेज कर सकते हो ठीक है हैंड नीचे भी कर सकते हो फिर हम आपका कैम आप अपना माइक ऑन करके आप बता सकते हो ठीक है इफ नॉट पॉसिबल अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हो आई थिंक वो बेस्ट रहेगा क्योंकि हम सेशन हमारा चलते रहेगा
ठीक है. अदर देन दैट बस पार्टिसिपेट करना, ठीक है. कंसिडर दिस लाइक जस्ट अनदर रिलैक्सिंग सेशन, ठीक है. कोई लोड नहीं है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क नहीं है. और इस बारी ट्रस्ट मी, मैं आर्ट वर्क का मैं मटीरियल भी नहीं मंगवाने वाला हूँ, ठीक है. हाँ, बस एक रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, स्क्रीन ऑफ नहीं होनी चाहिए. अभी जैसे योगिनी जी ने अपनी स्क्रीन ऑफ कर ली है, ठीक है. अब वो दोबारा रूल ब्रेक कर रही है. अब इस तरीके से आपको रूल ब्रेक नहीं करना है, करेक्ट, ठीक है. जस्ट टर्न ऑन योर स्क्रीन एंड जस्ट बी रिलैक्स एंड कंफर्टेबल. मैं भी अपने घर के कपड़ों में ही बैठा हूँ आज, बाय द वे. ग्रेट, हेलो जिन जिन्होंने स्क्रीन ऑन करी अभी, ग्रेट, लवली, ठीक है. सो अब पहली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं. मीन वाइल बाकी सब लोग कंफर्टेबल हो गए. जब भी आप लोग को कंफर्टेबल लगे प्लीज अपना कैमरा ऑन करते रहना, मुझे अच्छा लगेगा, अच्छे अच्छे चेहरे देखने लगेंगे सुबह सुबह, शाम को सॉरी, ठीक है. सो पहली हमारी जो एक्टिविटी है आज, ठीक है, बहुत कॉमन एक्टिविटी है, बट ना लास्ट टाइम मुझे वोरा जी ने और वोरा जी की टीम ने ना मुझे बीट कर दिया था डमशरास में, ठीक है. इस बारी मैं और भी डिफिकल्ट गेम लेकर आया हूँ, ठीक है. सो आई टुक टाइम टू प्रिपेयर. एंड जो हमारी पहली एक्टिविटी रहेगी, पहली एक्टिविटी रहेगी हमारा सॉन्ग चैलेंज, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे गाने सुनना किस किस को पसंद है? सबको? बाप रे, रेज हैंड, ग्रेट ग्रेट लवली, ठीक है. कोई ऐसा है जिसको गाने सुनना बिल्कुल ही पसंद नहीं है? कोई भी? बाप रे, माला मेहता जी ने दोनों में ही हाथ खड़ा कर दिया है, ठीक है. तो पहली जो हमारी एक्टिविटी है वो हमारा सॉन्ग चैलेंज है, ठीक है. मैं एक बारी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ है क्या एग्जैक्टली, ठीक है. सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ग्रेट, परफेक्ट, ठीक है. अब मैं एक बार इसको ना ऑन यूं कर दे रहा हूँ. सबको समझ में आ रहा है? दिख रहे? करेक्ट. अब ना ये एक इमोजी है, ठीक है. अब ये थोड़ा सा जेंजी हो जाता है, बट हमारे इसमें इमोजीज आते हैं सारे के सारे, ठीक है. और क्या है कि मैंने इन इमोजीज के पीछे ना एक गाना छुपा रखा है, करेक्ट. अब आपको गेस करना है चैट बॉक्स यूज करके अपना, ठीक है, कि गाना है कौन सा. और ये बाय द वे हिंट एक और दे रहा हूँ, गाने सारे पुराने हैं, कोई गाना नया नहीं मिलेगा अरिजीत सिंह का, आतिफ असलम का, सारे पुराने गाने जो आपने सुने हुए हैं, ठीक है. बढ़ सकते हैं आगे? पहला वाला कोई गेस करना चाहेगा चैट बॉक्स में? अच्छा, चैट बॉक्स में, ओके, सो दैट वी डू हैव आंसर्स कमिंग इन द चैट बॉक्स. I'll keep it handy with me right now. ओके, माला मेहता जी ने बोला, बिपाशा जी ने भी बोल दिया, ग्रेट लवली, ठीक है. हम एक स्लाइड के ऊपर 30 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकेंगे कि ताकि सबको चांस मिलता रहे, सब लोग डालते रहो. और अपने अपने मार्क्स कैलकुलेट करना, हर अच्छे आंसर का 1 मार्क्स है, ठीक है, हर गलत आंसर का -1 है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी. ओके, 10 more seconds टू गो, अगर किसी और को गेस करना है तो. फोर थ्री टू वन, करेक्ट आंसर है गुलाबी आंखें. आई थिंक 3 लोग ने सजेस्ट करा था एंड आई थिंक इट्स वेल ग्रेट. आई मीन मुझे लग रहा है कि वापस से मुझे गेम और डिफिकल्ट करना चाहिए था, बट एनी वेज लेट्स मूव अहेड. सबको आंसर देना है. बहुत इजी है यार ये वाला तो. सिद्धार्थ, आई थिंक आपने नेक्स्ट स्लाइड पे ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है. द फनी थिंग इज, मैंने ये पूरी क्विज देखी थी, उसके बाद भी मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये सॉन्ग कौन सा है. ग्रेट, पहला वाला बहुत इजी था, वो तो सरप्राइज था. अब देखते हैं और आंसर्स आने लगे हैं. टेन मोर सेकेंड्स. फाइव फोर थ्री टू वन, ठीक है. तो
आई थिंक ऑलमोस्ट सबके आंसर करेक्ट हैं. टिप टिप बरसा पानी, ग्रेट. सो आई थिंक वो पानी की ड्रॉपलेट से आपको सबको आइडिया लग चुका है. ग्रेट, चलो मूव अहेड. सब एक एक मार्क्स दे देना खुद को और खुद के लिए क्लैप कर लेना, ठीक है? ऑल राइट, मूविंग अहेड. आई बेट ये कोई आंसर नहीं कर पाएगा. आई रियली फील लाइक माई मैथ्स के टीचर, उनको भी ऐसी खुशी होती थी जब क्लास में सब बच्चों को फेल कर देती थी वो. ओके, वी हैव आवर फर्स्ट आंसर है. जल्दी जल्दी फटाफट टाइप करते रहिए. एंड प्लीज यार, सब आई थिंक 3-4 टेक्स्ट ही दिख रहे हैं, तुक्का ही मार दो, क्या पता सही हो जाए. दिस वन इज रियली टफ. ठीक है, 10 सेकेंड्स और बढ़ा देते हैं. चलो अच्छा, जिसने एक बार आंसर दे दिया है दोबारा मत देना, सबको एक एक चांस मिलेगा, ठीक है? लास्ट 10 सेकेंड्स है. फाइव फोर थ्री टू एंड वन. ओके, वाओ वाओ, 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर ही करेक्ट था. ओके, एंट्रीज क्लोज नाउ. फरजाना जी ने करेक्ट आंसर दिया है, नींद चुराई मेरी किसने उसे नाम. ऑलराइट, सो दैट्स द करेक्ट आंसर. मुझसे भी गेस नहीं हुआ था, डोंट वरी. मैं एग्जाम सेट करते करते मैं ही फेल हो गया था. So, moving ahead. This one is easy. बहुत popular गाना है. सब लोग दिमाग लगा रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा. ओके, लेट्स सी लेट्स सी. ठीक है अच्छा, ताकि सब पार्टिसिपेट करें, ठीक है, एक काम करेंगे. ओ ठीक है, ताकि सब लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है. जो जीता, जिसके ज्यादा मार्क्स आए, उनको योगिनी जी खाना भेज देंगी, ठीक है. चलो, 5 4 3 2 1. ग्रेट, ठीक है. सो इसका करेक्ट आंसर था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ठीक है. आई थिंक बहुत कॉमन सॉन्ग है, मतलब ऐसा जब मैं डाल भी रहा था तब भी मेरे दिमाग में मेलेडी चल रही थी. ग्रेट, सो क्लैप फॉर योरसेल्फ. चलो आगे बढ़े, मैंने स्पॉइलर दे दिया था गलती से, बाय द वे. चलो, इजी वन, बहुत इजी, उससे भी ज्यादा इजी. देख लीजिए सब, अच्छे अच्छे खाने का सवाल है. ईजी था, आई थिंक इसमें सिर्फ 20 सेकेंड्स देने चाहिए, ठीक है. 10 सेकेंड्स मोर. अरे बात, यहाँ की ऑडियंस काफी स्मार्ट है.
सब बहुत अच्छे से गेस कर पा रहे, टाइम मतलब लास्ट के 5 सेकंड में भी करेक्ट आंसर आ रहे हैं, मुझे तो सारे बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं आ रहे वो थे. हाँ कौन सा कौन सी स्लाइड थी, ये वाली, हाँ नींद चुराई मेरी हाँ वाली, ओ गॉड, हाँ लास्ट के 5 सेकंड में भी आंसर करेक्ट, बहुत बढ़िया, दीज पीपल आर रियली गुड। ठीक है, हाँ आई थिंक इसका करेक्ट आंसर है सात समंदर पार, ठीक है, बहुत फेमस गाना है, आई थिंक किक मूवी में सलमान खान ने भी इस पे डांस करा है, ठीक है, ट्रस्ट मी मैं दिखा के नहीं बताऊंगा कैसे डांस किया था, बट या इट वॉज गुड। सो आगे बढ़ते हैं, एंट्रीज क्लोज, ठीक है, ओ ये लगता है मैंने इजी पेपर सेट कर दिया है, ठीक है लेट्स सी, बिपाशा जी एंड फरजाना जी अभी सबसे आगे चल रहे हैं, वोरा जी बीट करते चल रहे हैं सबको धीरे धीरे, हमारे स्टार प्लेयर, ठीक है, 5 4 3 2 1 करेक्ट, सो करेक्ट आंसर है मेरा जूता है जापानी, ओके आई थिंक ऑलमोस्ट सबके करेक्ट आंसर हैं, आई थिंक दीपक जी का सबसे करेक्ट आंसर है बूट पॉलिश, ग्रेट, ऑलराइट, बट हाँ लवली सर, मेरा मन कर रहा है कि सिर्फ उस एक आंसर को मैं पूरे मार्क्स दूं, बाकी सबके कैंसिल कर दूं, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, सिद्धार्थ ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो मैंने भी नहीं देखा था. ये जो क्लास में बच्चे नहीं होते एकदम आउट ऑफ सिलेबस, आंसर पे भी तुक्का लग के करेक्ट हो जाता है, ठीक है करेक्ट आंसर है, ठीक है 5 4 3 2 1 ओके, सो आई थिंक सबका आंसर करेक्ट है, ये काली काली आंखें, ठीक है मूविंग अहेड, आई थिंक करेक्ट है सुमन जी, चलिए इस बार ही आपको भी मार्क्स दे देते हैं, ठीक है वैसे आपने 2 वर्ड्स लिखे हैं, बट चलो वो पक्का ग्रेस मार्क्स हैं, पक्का मैं अपने बच्चों को फेल नहीं होने दूंगा आज, चलो मूविंग अहेड, इजी कर लिया अब थोड़ा डिफिकल्ट भी कर लेते हैं, वैसे बाय द वे मैं एक चीज बता दूं कि एग्जैक्टली जितना स्क्रीन पे दिख रहा है उतना नाम लिखना है गाने का, स्टेप के मार्क्स नहीं मिलते हैं, आंसर भी देना है, चार 5 4 3 2 1 अच्छा, तो यहाँ ये इसका करेक्ट आंसर था आंख मारे ये लड़की आंख मारे, ठीक है आई थिंक फरजाना जी ने जल्दी जल्दी में लड़का कर दिया उसको, फरजाना जी इस बारी मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, आप ऐसे टॉप पे चल रहे हो आप ऐसे टॉप पे चल रहे हैं बाय द वे, ग्रेट चलिए मूविंग अहेड, ओ अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग, वाओ 10 सेकेंड्स मोर,
5, 4, 3, 2, 1. Anji. Chalo, entries done. Uma ji, aapne hand raise kara hai. Aap ek bari chat box mein bata sakte hain? Ofo. मेरा लैपटॉप चाह रहा है क्वेश्चन पेपर लीक कर दे. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर था हंसते हंसते कट जाए रस्ते. ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छा इमोशनल सॉन्ग था, बहुत ब्यूटीफुल, ग्रेट. मूविंग अहेड, लीक पेपर का ही आंसर दे दो. ऑल राइट, ओके, 10 मोर सेकेंड्स. फाइव, फोर, थ्री, टू, वन. आई थिंक सबका आंसर करेक्ट है. ठीक है, इट्स करेक्ट. ये मुझे याद है, मूवी मैं बहुत छोटा था तब दिखाई थी. इट्स वेरी लवली, ग्रेट, सबको 1-1-1 मार्क्स मिलता है. ठीक है, कोई गलत आंसर कर ही नहीं रहा है. स्टार्टिंग के एक दो गलत हो गए, बस उसके बाद सबने ठान लिया है कि आज तो टॉप ही मारना है. ठीक है, चलो लेट्स सी. ठीक है, लास्ट के अब हमारे पास है दो और आंसर्स. ठीक है, मेक श्योर कि आप टॉप स्कोर करो. ठीक है, मूविंग अहेड. ओके, 10 मोर सेकेंड्स टू गो. फाइव, फोर, थ्री, टू, वन. ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट सबके करेक्ट है, ऑलमोस्ट सबके करेक्ट हैं. एक आध गलत आंसर्स थे. एंट्रीज क्लोज नाउ. ठीक है, टूटा टूटा एक परिंदा वॉज द करेक्ट आंसर. ठीक है, एंड आई कैन सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि फरजाना जी करेक्ट आंसर दे रही हैं एंड बाकी सब फॉलो कर रहे हैं. ग्रेट, बहुत बढ़िया. चलो तो लास्ट सॉन्ग ऑफ द डे, नॉट लास्ट बट ठीक है, इसके लिए सिर्फ 10 सेकेंड्स और मिलेगी. सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड हाफ, टू, वन एंड हाफ, वन, 0.5, जीरो. ठीक है, एंट्रीज क्लोज. ओ ग्रेट, लास्ट आंसर एकदम आया है 1 सेकेंड पर सुमन जी का. वाओ लवली, सो करेक्ट आंसर है सूरज हुआ मद्दम. ठीक है, एंड इट वाज अ वेरी लवली सॉन्ग बाय द वे, मुझे अभी भी याद है. लाइक आई स्टिल यूज टू लाइक दैट सॉन्ग. घर पे बजता रहता था एकदम. आई थिंक वो पहले कारवां होता था छोटा वाला, अभी भी होता है, तो उस पर बजता रहता था. लवली, ओके आ जाओ वापस आ जाओ. सॉन्ग्स ओवर, गाने खत्म हो गए. ठीक है,
That's, I think, a big round of applause to everyone. सबने बहुत मतलब everybody could guess the answers. I'm so amazed. मतलब बीच में मुझे कुछ answers नहीं आ रहे थे despite having seen the paper. तो जिन लोगों ने नहीं देखा सब guess कर पाए. This is amazing. बहुत smart audience है यार. यहाँ की अगली बार paper hard check करना पड़ेगा. एब्सोल्युटली 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 बट एक चीज का मजा बहुत आया मुझे, चाहे तो कितना भी इजी क्वेश्चन पेपर था, टीचर को सबसे ज्यादा खुशी तभी होती है जब सारे बच्चे अटेम्प्ट कर लेते हैं पेपर. ठीक है, तो पेपर सबने अटेम्प्ट करा, ठीक है, तो खुद के लिए एक बार क्लैप कर लो. ठीक है, आई थिंक हम खुद के लिए तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज डिजर्व करते हैं. ग्रेट 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 एक्शन वोरा जी, pat your own back. I like that. I even do that in my own therapy sessions as well. Great. Achha. So, I think sabko abhi tak thoda sa idea ho gaya hoga ki aaj ki jo hamari theme hai wo thodi music ki taraf hai. Theek hai? And abhi hamare paas hamari blockbuster headline activity to rehti hi hai. Theek hai? Iske liye main chahunga ki aap sab log apna camera on kar lo. ठीक है, किसी को ऑफ रखना है तो भी इट्स ओके. ठीक है, मैं एक बार इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ, उसके बाद एज पर योर कंफर्टेबिलिटी यू कैन चूज. ग्रेट, ठीक है. सो अभी हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, ठीक है, इससे पहले आज तक हमने कभी सेशंस में म्यूजिक यूज नहीं करा. शिवानी जी एंड आई वर डिस्कसिंग कि कुछ करते हैं, कुछ कुछ तो नया होना चाहिए. होता है ना न्यू ईयर पे पार्टी होती है, डांस होता है, इट्स द टाइम टू डिस्को काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, तो इस बारी हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इट्स अराउंड म्यूजिक, इट्स अराउंड लिसनिंग, इट्स अराउंड मूविंग अराउंड म्यूजिक. डांस करना किस किस को पसंद है? मतलब ऐसा होता है ना कि नीचे ढोल नगाड़े भी बज रहे होते हैं, पड़ोस वालों के घर होता है ना, शर्मा जी के घर पे शादी हो रही होती है. नहीं इधर नहीं, इधर बिल्कुल नहीं होगी इतनी जल्दी, बट डेफिनेटली शर्मा जी के घर पे ढोल बज रहे होते हैं और लगता है कहीं ना कहीं अरे यार ढोल वाले तो अच्छा हो जा रहा है, तासे लग रहे हैं. ठीक है, और थोड़ा पैर हमारे बीट होते रहते हैं, करेक्ट. ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हमें डांस अच्छा भी नहीं लगता ना, हमारी बॉडी किसी ना किसी तरीके से मूव करती है, करेक्ट, गलत तो नहीं है? ठीक है, कोई ऐसा है स्टिफ एकदम? आई डोंट थिंक मैंने कभी किसी को देखा है. ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमारा काम क्या है? ठीक है, आपको बस कंफर्टेबल होना है, रिलैक्स होना है. ठीक है, पहले सब रिलैक्स हो जाओ. रिलैक्स कैसे होता है? आराम से. ठीक है, आई थिंक प्रिया जी हैज अ क्वेश्चन. यस प्रिया जी, नो ओके, आई गेस गलती से हो गया. आई थिंक वो गलती से हो गया, नो इश्यूज नो इश्यूज. ओके ठीक है, ऑल राइट. ओके, सो सिट बैक एंड रिलैक्स. ठीक है, मेरी आवाज सुननी है और जो भी अभी आवाज आने वाली है वो तो सुनना ही सुनना है. ठीक है, सो फॉर दिस एक्टिविटी क्लोज योर आईज, अपने अपने कंफर्ट में बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, अपना फोन साइड में रख दो. ठीक है, लाउड स्पीकर पे है तो बहुत बढ़िया, ईयरफोन्स है तो कान में लगाए रखना. ठीक है, जस्ट बी कंफर्टेबल. कह रहे सिद्धार्थ सबसे डिफिकल्ट टास्क दे दिए, कंफर्टेबल कैसे हुआ जाता है, रिलैक्स कैसे करते हैं? ग्रेट, वोरा जी ने डिस्को लाइट्स जला दी हैं, वाओ लवली, दैट्स द स्पिरिट. ओके, सो अब आप सब रिलैक्स हो चुके हो, टेक अ बैक, क्लोज योर आईज, अपनी बॉडी को फ्री छोड़ना है एकदम. बताना नहीं है बट आई होप सबको मेरी आवाज आ रही होगी. जस्ट स्टे रिलैक्स, लिसन टू माय वॉइस. ब्रीद इन, एंड ब्रीद आउट. Breathe in and breathe out. So इस एक्टिविटी में आप अपनी आंखें क्लोज रखिए. ठीक है,
मैं कुछ ट्रैक्स प्ले करने वाला हूँ. ये जो ट्रैक्स हैं कोई लिरिक्स नहीं है इनमें, बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके का टेम्पो, डिफरेंट बीट्स, कोई म्यूजिक फास्ट है, कोई म्यूजिक स्लो है. हमें ट्राई क्या करना है, हमें हमें हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को समझना है. हमें नोटिस करना है कि हमारा पूरा बॉडी उस पर्टिकुलर सॉन्ग की तरफ मूव कैसे कर रहा है. ठीक है, अपनी स्पेस में, अपनी कंफर्टेबिलिटी में, अपने मूवमेंट्स के थ्रू, अपने डांस के थ्रू, अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, आपको उस म्यूजिक के साथ सिंक में आना है, उस म्यूजिक को अपना बनाना है. जस्ट स्टे रिलैक्स जहां भी हैं आप. इफ यू आर सिटिंग इट्स ओके, इफ यू आर स्टैंडिंग इट्स ओके, आपका कैमरा ऑफ है तो भी इट्स ओके. ऑलराइट, जस्ट बी कंफर्टेबल. इफ यू फील कंफर्टेबल बाय कीपिंग योर आईज क्लोज्ड, तो आप अपनी आंखें बंद करके भी रख सकते हैं. खोल के रखना है तो आंखें आप खोल के भी रख सकते हैं. ठीक है, चलिए तो पहले ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं. ऑलराइट, ऑल राइट. कीप योर सेल्फ कंफर्टेबल. ठीक है, इवन यू कैन सी मैंने भी अपना कैमरा ऑफ कर लिया है. ठीक है, सो दैट यू ऑल हैव द स्पेस टू एंजॉय हाउ एवर यू वॉन्ट. ऑल राइट, एक्टिविटी अभी एंड नहीं हुई है. एंड विद नेक्स्ट सॉन्ग, अब हमारा जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा रिलैक्सिंग टोन में है. ओके, एंड म्यूजिक की एक बात बहुत अच्छी होती है कि
हमें पता रहता है, हमारी बॉडी को पता रहता है उसको रिएक्ट कैसे करना है। कभी कभी म्यूजिक की बीट्स बहुत फास्ट होती हैं, बट हमें लगता है कि नहीं बस ठहर जाओ, इतने फास्टनेस में भी, इतनी स्पीड में भी, बस मुझे शांत रहना है। ग्रेट। तो इट्स अबाउट हाउ हमारी बॉडी उस म्यूजिक पे रिएक्ट करती है, ना कि उस म्यूजिक की बीट्स कैसी है। करेक्ट, राइट। सो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट ट्रैक की तरफ अपने। ऑलराइट, सो विल बिगिन नाउ। क्लोज योर आईज, जिस तरीके से हमने पिछले ट्रैक की तरफ करा था, ठीक है, एंड उसी तरीके से मूव करना है। करेक्ट, थम्स अप मिल सकता है सबसे। परफेक्ट। आई होप आप सब कंफर्टेबल हैं खुद के साथ इस सेशन में, सबके साथ अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी स्पीड में। विल मूव टू द नेक्स्ट ट्रैक, ठीक है। एंड यहाँ हमारी बॉडी की मूवमेंट्स थोड़ी और डिफरेंट हो जाएंगी। हमने अभी तक तीन अलग अलग तरीके के म्यूजिक्स प्ले करे करेक्ट, नाउ दिस वुड बी अ बिट मोर डिफरेंट, क्योंकि हमारा थर्ड सॉन्ग है। सेम प्रैक्टिस, क्लोज योर आईज, बी कंफर्टेबल, कैम ऑफ करना है कैम ऑफ कर लो, कैमरा ऑन करना है कैमरा ऑन कर लो। करेक्ट,
एक और थम्स अप मिल सकता है? सब लोग शांत हो गए, ठीक है, चलो विल अपलिफ्ट द मूड। थैंक यू सो मच सबका ज्वाइन करने का। क्लैप फॉर योरसेल्फ एंड टेक केयर। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। हैंडिंग ओवर टू योगिनी जी नाउ। सेशन वाज फन, म्यूजिकल, हीलिंग। पता नहीं मुझे इतना हीलिंग क्यों लग रहा है, पर ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे नहा धो के निकलते ना, बिल्कुल वैसा सेशन था आज का। बहुत अमेजिंग। मैं किसी और डिमेंशन में चली गई, मैं किसी और चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मेरा पता नहीं, मेरा माइंड क्लियर हो गया।
सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, सीरियसली वंडरफुल सेशन. और पहले का पार्ट तो बहुत अमेजिंग था कि लव बॉलीवुड और बॉलीवुड म्यूजिक था, और उसके सेकंड पार्ट जो था वो सच में मैजिकल था. सो प्लीज हम तो आपको बुलाते रहेंगे, पर प्लीज आइए और ऐसे अमेजिंग सेशन हमारे लिए करते रहिए. सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर दिस सेशन, एंड थैंक यू सो मच शिवानी जी ये सेशन अरेंज कराने के लिए. और आप जो आपके बीच बीच में इनपुट देते रहता है, बहुत मजा आता है आपकी हंसी सुनने में और आपके हमारे सुनने में. सो आप भी करते रहिए और आप भी हमारे साथ छिड़ते रहिए. वी रियली 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 एंजॉय दिस सेशन विद यू टू थरली थरली. सो थैंक यू सो मच एवरी वन, एंड हम मिलेंगे बहुत जल्द अब हमारे नेक्स्ट सेशन के साथ. थैंक यू एवरी वन, एंड आई होप यू एंजॉय टूडेज सेशन. आई कैन सी ऑन योर फेसेस दैट यू एंजॉयड इट. सो ग्रेट, थैंक यू एवरी वन, बाय बाय, एंड हैव अ हैप्पी हैप्पी डे अहेड. प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड फॉर न्यू वीडियोज़.